हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज जो है मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज हाउस मेकर होने के कारण मैं कई बार कई चीज़ें टाइम पर नहीं देख पाती। और आज जब बस मैं फ़ोन लेकर बैठी थी और देख ही रही थी क्रेजी मॉन्स्टर में क्या नया है, और उसी बीच में मुझे इतने सारे मेरे व्यूअर्स के जो है कमेंट आए कि जो नया क्रेजी मॉन्स्टर में देखने को मिल रहा है उसके बारे में सब जानना चाहते थे, और सभी ने मुझे कहा कि आप इस पर वीडियो बनाइए। और मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एटलीस्ट ये तो है कि मैं यदि आप लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ तो डेफिनेटली जो है आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और मेरे लिए मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच ऑल। अब आते हैं वीडियो पर। अभी सबसे पहले व्हील वाला जो वीडियो है वो मैं बना चुकी हूँ, चैलेंजिंग वाला, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टार मेकर ने अच्छा किया है कि यहीं से आप उसमें एंटर हो सकते हैं। तो आप देखिए, मैं बता देती हूँ, है ना, यहाँ से आप वीर वाले उसमें एंटर हो सकते हैं। आपने यदि ये वीडियो नहीं देखा है तो आज ही मॉर्निंग में डाला है, आप देख सकते हैं, और उसकी लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। ओके, अब आते हैं हम ये मोर वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ देख रहे हैं मोर वाला ऑप्शन, यदि आपने इसको अभी तक ऑन नहीं किया है तो आपको इस पर एक रेड मार्क दिखेगा। मैं देख चुकी हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट वांटेड जो चीज़ है रिडीम सीडी की, उसके बारे में बात करें, उसके पहले एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। और एक्सचेंज भी जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेयर इक्विपमेंट चेस्ट आप यहां देख रहे हैं, है ना, तो जो ये सब कहां से रेयर इक्विपमेंट चेस्ट जो है हमको कहां से मिलते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में, पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा कि रेयर इक्विपमेंट जो चेस्ट हैं वो स्पिन से मिल रहे हैं, वो स्पिन से नहीं मिलते हैं। आप सभी को बता दूँ कि वो हमको मिलते हैं वर्ल्ड बॉस का वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे हैं, और उसका जो लिंक है आप ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए। यदि अभी तक आपने वर्ल्ड बॉस खेलना नहीं स्टार्ट किया है तो आप बहुत लॉस में हैं। क्रेजी मॉन्स्टर खेल रहे हैं तो आपको वर्ल्ड बॉस ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सुपर क्वेस्ट और कॉमन क्वेस्ट का, साथ में ही रेयर इक्विपमेंट जैसे आपको फ्रेगमेंट्स मिलते हैं जिनको आप इक्विप कर सकते हैं SSR इक्विपमेंट्स को, और जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेयर इक्विपमेंट चेस्ट हैं और ये जो सुपर क्वेस्ट चेस्ट हैं, कॉमन क्वेस्ट चेस्ट हैं, आप जो है इसको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आप खरीदने के लिए आप देख रहे हो कि जैसे रेयर इक्विपमेंट चेस्ट है ये 25 फैमिली कॉइन्स आप दिख रहा है, यूनिट प्राइस है ना, यूनिट प्राइस दिख रहा है, और ये यूनिट प्राइस आप यहाँ देख रहे हो कि 25 फैमिली कॉइन्स, क्योंकि एक सिंगल बॉक्स है ना, तो आप यहाँ देख रहे हो यूनिट प्राइस, मतलब एक सिंगल बॉक्स के लिए आपको बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये देखिए 44 कॉइन्स हैं, तो सॉरी 44 बॉक्सेस हैं, और उसमें आप देख रहे हो यहाँ 60 फैमिली कॉइन्स, तो ये 60 फैमिली कॉइन्स एक बॉक्स के लिए है ना, इस रेयर इक्विपमेंट चेस्ट के लिए 60 फैमिली कॉइन जो है प्राइस लगाई गई है। और ये प्राइस कौन लगा रहा है, ये प्राइस हम लोगों में से ही लगा रहे हैं, स्टार मेकर यूज़र्स ही लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो तरीका है बेचने का वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और वो जो प्राइस है वो आप खुद अपना तय कर सकते हैं कि आप जो अपना बॉक्स बेच रहे हैं उसका प्राइस क्या होगा, उसका एक लिमिट है, उस चीज़ में आप तय कर सकते हैं। तो ये जो है यदि आप 44 बॉक्सेस खरीदना चाहते हैं तो 2640 जो फैमिली कॉइन्स में आप ये खरीद सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो लोग इस बात का मतलब दुख मना रहे थे कि भाई ये हमको रेयर इक्विपमेंट चेस्ट से ये फ्रेगमेंट मिल तो रहे हैं, बट ये इक्विपमेंट हम कर भी लेते हैं इसको, और उसके बाद भी जो है ये करने के बाद भी हम जब इसको रिफाइन करने बैठेंगे तो भी SSR जो है हमको वो मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स चाहिएंगे इसके लिए, तो रिफाइनमेंट के लिए हम इतने सारे कहाँ से लाएं फ्रेगमेंट्स, है ना। तो अब आप यदि एक लगा ही रहे हैं गोल्ड कॉइन्स और फैमिली कॉइन्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और आपका जो SSR इक्विपमेंट है आप बहुत जल्दी रिफाइन कर सकते हैं। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो एक तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़, और जो लोग लगा ही रहे हैं गोल्ड कॉइन्स तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आप अपना जो ये है बैग, हमारा जो है बैगेज है, हमारे जो टूल्स हैं उनके पावर को आप बढ़ा सकते हैं, सारे इक्विपमेंट्स को आप SSR कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेल वाले उस पर। अब आप सेल में देखिए कि ये जो सेल वाला है, तो देखिए आप मेरे पास दो बॉक्सेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये बॉक्सेस आए कहाँ से, वर्ल्ड बॉस में से ही आए हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बॉस में मैं आपको ये बता दूँ कि वर्ल्ड बॉस में जो हमको मिलते हैं, जो भी बॉक्सेस मिलते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आज मिलें तो आप उसको आज ही
जो है उसको ले लें। जैसे मैं आपको बता देती हूँ वर्ल्ड बॉस में चल के, तो आप देखिए वर्ल्ड बॉस में आ गए हम लोग। अब ये वर्ल्ड बॉस के बैग में जा रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि आज का मैं खेल चुकी हूँ। आप देख लीजिए यहाँ, आज का मैं खेल चुकी हूँ इसलिए टाइम बता रहा है। अब ये सुबह 5:30 बजे जो है रिन्यू होगा, उसके बाद ही मैं इसको खेल पाऊंगी। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो बैग है इसका, है ना, यहाँ जो बैग है इसमें आप जो है कभी भी जाकर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम जब चल रहा है तभी होगा। और ये जो बैग है इसमें आपके इक्विपमेंट हैं, आपके जो चेस्ट हैं वो सेव रहेंगे। तो आप चाहें तो आप 6-7 दिन का भी जो है यहाँ कलेक्ट होने दीजिए, और फिर जब आपको सेल पे लगाना है तो आप इसको सेल पे लगा दीजिए। ठीक है, आप सेल पे लगा सकते हैं सारे इकट्ठे करके। यदि आपको लगता है कि मेरे को अपना बैग जो है वो नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको इनको सेल पे लगा देना है। और नहीं तो हम क्या करते हैं, उसको उसी दिन जो है ये ओपन नाउ कर लेते हैं, तो ये जो है कॉमन क्वेस्ट हमारे क्वेस्ट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ जो है क्वेस्ट होता है हमारा, है ना, तो ये जो कॉमन क्वेस्ट है वो यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, आप जब इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ कॉमन क्वेस्ट आ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप आपके जो वर्ल्ड बॉस में वो इकट्ठा होने दे सकते हैं, क्योंकि अब ये जो सेल वाला आ गया है तो आप आराम से उसमें इकट्ठे होने दीजिए, और जब आप चाहें तो उसको सेल पर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए बट आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए ये वाला बॉक्स को जैसे मैं सेल पे लगाती हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं सुपर क्वेस्ट चेस्ट है ये, है ना। अब यहाँ 1 है, अभी मेरे पास ये 1 बॉक्स ही है, तो इसमें 1 बॉक्स की देखिए यूनिट प्राइस आ रही है 25 फैमिली कॉइंस। ठीक है, ये जो है स्टार मेकर ने मिनिमम प्राइस लगाई हुई है। अब मैं यदि इसको, मैं नहीं चाहती कि मैं 25 फैमिली कॉइंस में मेरा बॉक्स बेचूं, मैं चाहती हूँ कि थोड़े ज़्यादा में बिके भाई, है ना। तो मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, कहाँ तक बढ़ा सकती हूँ उसको, 50 फैमिली कॉइंस तक बढ़ा सकती हूँ। अब ये ज़रूरी ये है कि सुपर क्वेस्ट चेस्ट मान लीजिए अब किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको खरीदना है, तो वो शायद 50 फैमिली कॉइंस में भी खरीद ले, अदरवाइज़ कोई भी यही चाहेगा ना कि भाई जो 25 फैमिली कॉइंस में बेच रहा है उसी का खरीद लें। हम लोग शॉप पर जाते हैं तब हम भी तो सोचते हैं कि जो सस्ता बेच रहा है, अच्छा बेच रहा है, तो वही खरीद लें, तो ये वाली बात होती है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए मैं 30 कर देती हूँ। ठीक है, तो 30 में मुझे नुकसान नहीं है, मिल भी जाएगा, और ट्रांजेक्शन फ़ी भी जो है आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ये बढ़ाएंगे, हमारे जो इसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे, है ना, तो ये जैसे जैसे हम कॉस्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ट्रांजेक्शन फ़ी भी जो है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ट्रांजेक्शन फ़ी जितनी बढ़ रही है उसी के हिसाब से आप काम करिए। देखिए 30 तक जो है, 32-31 तक, मेरे जैसे 30 तक मैं इसको रखती हूँ। ठीक है, तो ये 30 तक मैं रख रही हूँ, तो 3 ही रह रहा है, तो मैं इसको 30 फैमिली कॉइंस पे करके छोड़ देती हूँ। ठीक है, और सेल्स फ़ी क्या है, तो सेल्स फ़ी के बारे में बता देती हूँ आपको कि हम कोई भी जो आइटम लिस्ट कर रहे हैं बेचने के लिए, तो उसका जो सेल्स फ़ी है डिडक्ट होगा। ठीक है, आप या तो ये भी हो सकता है कि आप जो है मान लीजिए आपने किसी चीज़ को सेल्स पे लगाया और आपको लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप उसको खुद भी हटा सकते हैं सेल पे लगाने के बाद, ये मैं आपको अभी बताऊँगी करके। और ऑटोमेटिकली आफ्टर इट एक्सपायर्स, ठीक है, या तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। ऑटोमेटिकली एक्सपायर कैसे होगा, क्योंकि ये जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, है ना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम जब एक्सचेंज पे करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है आपको दिखाई दे रहा है कि ये चल रहा है 12 घंटे समथिंग बता रहा है। दैट मीन्स ये सुबह 5:30 बजे रिन्यू होगा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो टाइम तक जो है आपका ये बिक जाना चाहिए। नहीं बिकेगा तो या तो आप मैनुअली हटा लें, और नहीं तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। वही आपको बता रहा है कि वो उस पे से सेल पे से हट जाएगा। ठीक है, तो वो सेल पे से हट जाएगा या ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, और यदि वो बिक गया तो आपका जो सेल फ़ी है वो जो है आपके इसमें से, आपके अकाउंट में से क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके, तो अब चलते हैं और वापस सेल वाले पोर्शन पे चल के मैं आपको फिर आगे की बात बताती हूँ। तो आप ये सब समझ गए होंगे किस तरीके से आप कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आपको सेल्स फ़ी जो है करना पड़ेगी। तो सेल्स फ़ी में आपके जो है डायमंड्स कट होंगे, और वो तब कट होंगे जब आपका कोई आइटम बिक चुका होगा। ठीक है, वो आइटम आपका बिक चुका होगा और आप जब उसको, आपका जो आपको कॉस्ट जो मिल रही है उसको आप जब क्लेम करेंगे तो आपके ये चीज़ डिडक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। और ट्रांजेक्शन फ़ी क्या है वो भी देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन फ़ी यही है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट लगा रहे हैं, है ना, आपने ट्रांजेक्शन अमाउंट जैसे मान लीजिए 25 फैमिली कॉइंस हम लगा रहे थे और 30 फैमिली कॉइंस तक लगा रहे हैं, तो 3 कॉइंस लग रहे हैं ट्रांजेक्शन अमाउंट। और जैसे ही हम उसको बढ़ा रहे हैं या 30 से अबव कर रहे हैं, 50 के बीच में कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन अमाउंट लग रहा है 5 फैमिली कॉइंस। तो वो 5 फैमिली कॉइंस आपके उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे यदि आपका जो है आपका वो सोल्ड मतलब आपका सेल हो जाता है
और सेल होने के बाद जब आप उसको क्लेम करेंगे तो वो भी जो है आपके उसमें से कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं और सेल में जाके और फिर से मैं आपको वो चीज़ बता देती हूँ। अब आप देखिए, मैं उसको करके बता देती हूँ आपको। ये इसको वापस से 30 पर हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए 30 पर आ गया है और ये देख रहे हैं, ये सब चीज़ करके मैंने इसको कन्फर्म कर दिया। ठीक है, ये कन्फर्म करने के बाद वो आपको एक चीज़ एक बार बता रहा है और फिर से आपसे कन्फर्म पूछ रहा है। तो ये देखिए मैंने कन्फर्म कर दिया और आप देख रहे हैं कि मैंने ऑन सेल डाल दिया है इसको। ठीक है, और ये अभी आप देख रहे हैं अनलिस्ट है। अनलिस्ट करना हो यदि तो आप अनलिस्ट भी कर सकते हैं, इसको मैंने आपको बताया था। ये देखिए, फीस दैट हैव बीन डिडक्टेड विल नॉट बी रिफंडेड इफ़ यू अनलिस्ट दिस आइटम, है ना। मतलब आप अनलिस्ट करते हैं तो भी ये डिडक्ट होगा। मतलब आपने एक बार लगा दिया सेल पे और आप उसको चाह रहे हैं कि नहीं भाई मैं नहीं बेचना चाह रहा, मुझे चाहिए इसको, मैं इसको अनलिस्ट कर देता हूँ, तो आपका जो फीस है, मतलब आपका जो सेल्स फी है और ट्रांजेक्शन फी है, वो डिडक्ट हो जाएगा। वो आपको ये बोल रहा है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि अभी अनलिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देख सकते हैं सेल पर डाला था वो जो है बिक चुका है और आप देख रहे हो कि टाइम स्टेटस ये सब दिया हुआ है ना। 25 फैमिली कॉइन्स मुझे मिलेंगे। आप ऊपर देख रहे हो कि मेरे पास 40 फैमिली कॉइन्स हैं। अब जो है इस चीज़ से मैं देखती हूँ कैसे ट्रांजैक्शन फ़ी और जो सेल्स फ़ी की बात करी है वो किस तरीके से होगा, देखते हैं हम। ठीक है, और देखिए मैं इसको क्लेम कर रही हूँ आपके सामने ही, है ना। और ये देखिए ये 62 आए हैं मेरे पास। दैट मीन्स जब हम बेचेंगे तो हमारा जो है सेल्स फ़ी और हमारा जो ट्रांजेक्शन फ़ी है, तब मतलब हम जब क्लेम कर रहे हैं, है ना, जब हमारा वो बिक चुका है और हम उसको क्लेम कर रहे हैं, तो हमारा ट्रांजेक्शन फ़ी और हमारा सेल्स फ़ी तब कट होगा। तो होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको सेल कर सकते हैं और आपके जो फैमिली कॉइन्स हैं वो आप बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये फ्रेंड्स, ज़रूर यूज़ करिए इसको। अब बाकी रही बात रिडीम सीडी की, तो ये सीडी की वर्ड जो है मुझे ऐसा जाना पहचाना सा लग रहा है, बट अभी जो फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि सीडी की जैसा वर्ड कहीं और क्रेजी मॉन्स्टर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब फिक्स है कि अपकमिंग जो अपडेट्स हैं उसमें जो है ये चीज़ आने वाली है और ये जो है पहले से ही डाल दिया गया है ताकि आप लोग अवेयर हो जाएँ इस चीज़ के लिए और तैयार रहें, क्योंकि अब जो है क्रेजी मॉन्स्टर के अपडेट में आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार, जिस तरीके से वो ब्लू गोले का राज जो है हमें काफी दिनों तक परेशान करता रहा वाटर वेपन का, तो उसी तरीके से ये रिडीम सीडी की आई थिंक सो स्टार मेकर लेकर आया है, हमारे लिए सस्पेंस क्रिएट किया है और आई थिंक बहुत जल्दी ही जो है आने वाले अपडेट्स में ये चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जरूर इसका वीडियो तब लेकर आऊंगी। और इस बीच में यदि आपको इसके बारे में कोई हिंट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, डेफिनेटली जो है इसके लिए वीडियो बनाना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इसको जानना चाहते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स, और आप लोग जो है इसको वाइजली जो है यूज़ करेंगे और वर्ल्ड बॉस ज़रूर खेलिए और क्रेजी मॉन्स्टर खेलते रहिए। और क्रेजी मॉन्स्टर में भले ही आप नए हो या आप काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं बट आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि एक बार जो है क्रेजी मॉन्स्टर की प्ले लिस्ट पर नज़र डालिए क्योंकि उसमें 40 अबव वीडियोज़ हो चुके हैं और डेफिनेटली मैंने स्टेप बाय स्टेप क्रेजी मॉन्स्टर की हर चीज़ को जो है उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आपके लिए ईजी बनाने की कोशिश करी है। तो ज़रूर वीडियोस को देखकर आपकी जो भी क्वेरी है उसको शांत कीजिए और कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी जो हेल्प कर सकूंगी ज़रूर करूंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।